हेलो दोस्तों, यार फाइनली एप्रिलिया ने अपनी SR160 BS6 स्कूटर को रिवील कर दिया है। ये एक स्पेशल स्कूटर है अपने सेगमेंट के अंदर। अगर आपको एक 150 या फिर 160 सीसी का कोई स्पोर्ट स्कूटर चाहिए तो आप इसके ऊपर जा सकते हो। ये आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। और मैं आपको बता दूं यार, कुछ लोगों को इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन इस स्कूटर के अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या कुछ इसके अंदर दिया गया, क्या कुछ इसके फीचर्स है, अगर आप उन चीज़ों को देखते हो तो आपको प्राइस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगेगी। बिल्कुल ओके प्राइस आपको लगेगी, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम। आप इसके ऊपर बिना सोचे समझे जा सकते हो प्राइस को बिना देखे, अगर आप इसको जान लेते हो तो इसके बारे में काफ़ी चीज़ें जानते हैं कि क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। लेकिन आपको उससे पहले मैं बता दूं कि हेलो दोस्तों, मैं हर्षिका वीर जी आदि और अपने सभी भाई और बहनों का स्वागत करता हूं यार एक और नई वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले इसके फ्रंट की बात करते हैं। इसके फ्रंट में आपको हैलोजन हेडलाइट देखने को मिलती है। उसके अलावा आपको बिल्कुल ही नए ग्राफिक्स यहाँ पे दिए गए हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे देखने में। और यहाँ पे हेडलाइट के ऊपर आपको एप्रिलिया की काफ़ी बड़े फॉन्ट में एक बैजिंग दी गई है। उसके अलावा इसके थोड़ा सा नीचे BA रेसर करके बैजिंग दी गई जो कि काफ़ी अच्छी लग रही देखने में, और आपको थोड़ा फील आएगा कि आप एक स्पोर्ट स्कूटर चला रहे हो जो कि आना भी चाहिए। इसके अलावा थोड़ी सी ऊपर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको दोनों साइड इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा लेफ्ट हैंड की साइड में आपको SR रेस की बैजिंग यहाँ पे दी गई है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। इसके अलावा इसके फ्रंट में आपको काफ़ी बड़े साइज की एक विंडशील्ड देखने को मिलती है जो कि आपको विंड ब्लास्ट से थोड़ा बचा के रखेगी। स्कूटर को थोड़ा सा तेज चलाओगे तो आपको हवा कम से कम लगेगी जो कि अच्छी बात है। ओवरऑल स्कूटर की हम फ्रंट लुक को देखते हैं तो काफ़ी खूबसूरत लगता है आगे से देखने में। इसके अलावा लड़के भी काफ़ी खूबसूरत है, आई नो काफ़ी खूबसूरत है यार, लेकिन हमें दिमाग लड़की पर नहीं स्कूटर पर रखना है, तो भूल जाओ स्कूटर पे ध्यान दो। इसके अलावा अगर नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें तो मैं बताना चाहूँगा 120x70mm का वाइड टायर देखने को मिलता है जो कि 14 इंच के अलॉय व्हील के साथ आता है। इसके साथ ही आपको फ्रंट में 220mm 220mm का डिस्क ब्रेक यहाँ पे दिया गया है जो कि सिंगल चैनल ABS के साथ आता है। यहाँ पे डुअल चैनल ABS आपको देखने को नहीं मिलता है, सिंगल चैनल ABS स्कूटर के अंदर आपको मिलता है। और इसके फ्रंट को अगर आप थोड़ा साइड से देखते हो तो यहाँ पे आपको SR रेस की काफ़ी बड़े साइज में बैजिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है देखने में। और इसको कंप्लीट तरह से आप साइड में से देखते हो तो यहाँ पे पीछे की साइड आपको काफ़ी बड़े फॉन्ट में BA रेसर करके बैजिंग दी गई है जो कि काफ़ी प्रोफेशनल भी लग रही है देखने में, और आपको थोड़ा फील कराएगी कि यार आप एक रेसर हो, एक प्रोफेशनल राइडर हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात और फील होना चाहिए यार हर एक इंसान को जो टू व्हीलर राइड करता है कि हम एक राइडर हैं यार। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें तो आपको बताना चाहूँगा पिलियन के लिए काफ़ी स्टाइलिश फुटरेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं जो कि हाइड हो जाते हैं, छुप जाते हैं, आपको दिखाई भी नहीं देते हैं बाद में। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्पोर्टी एग्जॉस्ट देखने को मिलता है जो कि काफ़ी मस्कुलर लुक के साथ आता है। अब इसके रियर टायर की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा रियर में भी आपको 120x70mm का वाइड टायर देखने को मिलता है जो कि अलॉय व्हील के साथ आता है, लेकिन यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक दिया गया है, यहाँ पे डिस्क ब्रेक नहीं है जो कि सिंगल डिस्क और सिंगल ABS के साथ ये स्कूटर आपको मिलता है जो कि फ्रंट में आपको दिए गए हैं। अब इसके टेललाइट की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको हैलोजन टेललाइट देखने को मिलती है, और ये बिल्कुल भी आपको ऐसा फील नहीं कराएगी कि यार ये हैलोजन टेललाइट है, इसको LED होना चाहिए था। मतलब बिल्कुल भी आपको और नहीं लगेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसको अपडेट करना चाहिए। मतलब जो भी है ठीक लगेगा स्कूटर के हिसाब से, आपको काफ़ी स्टाइलिश स्कूटर मिलता है जो कि इसके साथ काफ़ी मैच करता है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील होने वाला है। इसके साथ यहाँ पे हैलोजन इंडिकेटर आपके लिए दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी स्टाइलिश ग्रेवल्स मिलती है जो कि पिलियन राइडर के लिए पकड़ने में काफ़ी इजी होगा और काफ़ी कंफर्टेबल भी रहेगा। अब इसके सस्पेंशन की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। उसके अलावा रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया जो कि लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलता है, सेंटर में यहाँ पे नहीं है। अब इसके नेक्स्ट फीचर की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें आपको यहाँ पे एक हुक देखने को मिलता है जो कि काफ़ी हैवी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, और यहाँ पे आप अपना काफ़ी हैवी सामान भी इजीली लगा सकते हो, टांग सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके लेफ्ट साइड हैंडल पर आपको हाई बीम, लो बीम, उसके अलावा इंडिकेटर और हॉर्न के स्विच यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि नॉर्मली आपको सभी स्कूटर और बाइक में दिए जाते हैं, और राइट साइड में आपको एक सलप का स्विच यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसके नेक्स्ट फीचर की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर देखने को मिलता है। जो आपको स्पीडोमीटर है वो आपको एनालॉग दिया गया है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे डिजिटल है। जो आपको ट्रिप मीटर है या फिर फ्यूल गेज है या फिर किलोमीटर जो वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है वो सारी डिजिटल है। उसके अलावा ऊपर की साइड आपको इंडिकेटर, FI, बाकी लाइट और ABS की लाइट देखने को मिलती है। इसके अलावा अब स्कूटर की हम इंजन की बात कर लेते हैं कि इंजन में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। इसमें आपको 160 सीसी के साथ सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 3-वाल टेक्नोलॉजी के साथ फ्यूल इंजेक्शन BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलता है। और इसकी पावर फिगर की बात करें तो यहाँ पे आपको 8.1 किलोवाट की पावर, उसके साथ ही 11.6 न्यूटन मीटर टॉर्क देखने को मिलता है। और 8.1 किलोवाट की पावर को अगर आप BHP में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे आपको 10.9 BHP तक की पावर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसकी माइलेज की बात करें तो यहाँ पे आपको 35 किलोमीटर पर लीटर के आसपास माइलेज मिलने वाली है। और प्राइस की बात करें तो यहाँ पे दो वेरिएंट आपको देखने को मिलते हैं। स्टैंडर्ड वेरिएंट की प्राइस लगभग 82,000 एक्स-शोरूम दिल्ली रहेगी। उसके अलावा जो रेस एडिशन है उसकी प्राइस लगभग 1,13,000 एक्स-शोरूम दिल्ली रहेगी, जो कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस है दोनों ही वेरिएंट में। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए आए हो तो आपको शायद अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। बहुत ही आसान है, नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन आ रहा होगा, उसको दबा दो यार, और वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको वीडियो पसंद आई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।